लेकिन फिर जब कोरोना के मामले बढ़े और उसमें चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 69 बच्चे पॉजिटिव आए, तो उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश में भी कुछ कुछ स्थानों पर बच्चे पॉजिटिव आना प्रारंभ हुए थे, इसलिए उसको हमने बंद करने का भी फैसला लिया है। बाकी 4 तारीख के बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि इसमें एक बड़ा कारण ये है कि जो छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं, अभी तक 18 से कम आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, और जो 18 प्लस है इसमें हिमाचल प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है कि देश में 100% जो है अपनी वैक्सीनेशन किया है, और इसमें जो हायर एजुकेशन जो प्लस टू के बाद की उसको सबको हम प्रारंभ कर रहे हैं, और 1 सितंबर से हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय इत्यादि सब खुल जाएंगे, तो इसलिए वो तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। और अगला जो आपने कहा कि लगातार इस सरकार के समय में शिक्षा विभाग में जहाँ जहाँ रिक्तियाँ थी वो एक निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहती है और उसमें लगातार प्रमोशंस हैं, नई भर्तियाँ वो लगी रहती हैं। लेकिन इस बार जयराम ठाकुर जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि शिक्षा विभाग में हम 4000 पदों की भर्ती करेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था, और उसको अभी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, और हम विभिन्न कैटेगरीज के एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक इन 4000 पदों को भरने वाले हैं, जिसके कारण से कहीं पर कोई कमी नहीं रही। सर, पिछले कल जो जनसभा को संबोधन किया मुख्यमंत्री ने, और जिसके बाद जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने आज आरोप लगाया है कि सरकार उन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है जो उनके कांग्रेस के कार्यकाल में किए। देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो जब भी आते हैं तो मनाली विधानसभा क्षेत्र के लिए नई सौगातें दे करके जाते हैं, और कल भी आए, बहुत कुछ हमको दिया है। अब कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वे हास्यास्पद भी हैं और सबकी समझ से परे भी हैं कि कब कहां पर उनका क्या योगदान रहा। ये मनाली की जनता भी जानती है, ज़िला कुल्लू की जानती है, प्रदेश की जानती है, तो इसीलिए यह है कि जितने काम हुए हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है और उसी के आधार पर ये काम हुए हैं। लेकिन वो इस बात को तो मानते काम हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस कार्यकाल के 5 साल की जो उपलब्धियाँ तब क्या था, तो तब कहने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ पर मनाली विधानसभा क्षेत्र में अब चाहे इंडोर स्टेडियम का काम प्रारंभ हो रहा है, चाहे हमारे अस्पताल